किस तरीके से देख रहे हैं पूरी 10 लोकसभाओं की अगर हम बात करें तो, क्योंकि 2009 में जो नतीजा वो आने वाला है, 10 कांग्रेस पार्टी जीती थी, शायद आपकी 10 की 10 जीत जाए। ऐसा है इस पार्टी का हिसाब सबको मानो, 2014 में मुख्यमंत्री इस पार्टी को एक साल के बाद मैंने कहा था, लेकिन विधानसभा में देखें कि ये विपक्षी दल मुख्य सहयोगी दल है। भाजपा के इशारे पे काम करते हैं, चाचा कह रहा है भतीजा, भाजपा के इशारे पे काम मिला हुआ है, भतीजा कह रहा है चाचा मिला हुआ है, मैं कहता हूँ दोनों मिले हुए हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं। इनका सुपड़ा साफ हो गया तो कहा है, कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा था मैं विश्वास तेरी भर रहा है की लेट हो गया, मैं समय आ जाओ, और खट्टर साहब ने कहा, खट्टर साहब को भी मैंने कहा समय है यहाँ आ जाओ या कहीं भी बताए मैं पहुँच जाता हूँ, मैं अपना नाम स्टार प्रचारक भी हैं, तो 10 की 10 पे किस तरीके से फोकस कर पाएंगे? यहाँ पे ये कहा जा रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ही कहा जा रहा था कि जो है ना ये हम तो चलो पुराने हैं, अब ये नए लड़के को यहाँ पर उतार दिया, क्या इनके पास में कोई नया चेहरा नहीं था, कोई अच्छा चेहरा नहीं था? कोई बड़ी अजीब सी बात है, हास्यास्पद बात है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। वो कह रहे हैं हम तो पुराने हैं, इसका मतलब वो नए को भरना नहीं देना चाहते, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगी कि नहीं? इसी दिन उनके बेटे को अवसर मिला था, इसी दिन नए किसी कार्यकर्ता को अवसर मिला था, आज अगर मुझे अवसर मिल गया तो उनके पेट में इतना दर्द क्यों है? आपके परदादा ताऊ देवीलाल जी, उनका स्मरण आता है कि जब उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था तो उनका सामना हुआ था धर्मपाल मलिक के सामने, और उस वक्त धर्मपाल मलिक जीत गए थे, तब ये जो विजय जुलूस निकाला जा रहा था तब उन्होंने कहा था कि बेटा ठीक है जीत तो गया, सांसद तो बन गया, पर नेता तो देवीलाल ही रहेगा। ये तो देखो चौधरी देवीलाल जैसा दूसरा इस देश में नहीं होना, और जब तक सृष्टि रहेगी उनका नाम रहेगा। वो नेता तो थे ही, किसान कमेरे के वो जननायक थे, और वो नेता बनाने की मशीन भी थी। जितने नेता उनने बनाए हैं इस हरियाणा के इतिहास में, गवाह है हरियाणा का इतिहास, इतने नेता किसी ने नहीं बनाए। जैसे कांग्रेस में इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा के कई गांव में जो है जाते हैं तो विरोध हो रहा है, इस तरह की बात है? उनके एक दो आदमी अपने वो खड़े कर देते होंगे, उनका यहाँ वोट गिनी जाएंगे तो पता चल जाएगा कितने वोट है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। अच्छा गांव के ग्रामीण भी कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं? कुछ नहीं कहते, जिन्होंने पर्चे वैसा है का आदमी जो मैनुपलेटेड होता है उनके पास वो फ्रस्ट्रेट है, कुछ बचा था नहीं, वोट बचा नहीं, राज बचा नेता जितने हुए बेचारे तो क्यों कर रहे हैं, कह दे आज हमने सारे गांव कवर करे हैं, कल भी परसों भी एक तरफा इलेक्शन है किसी आपको जीत, और हम जेल जेल से उसको पता चल जाए कि हमारे Thank you.